अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लाहौरी चने, जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे लाहौरी चनों की। आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आप लोगों को कोई फ़ायदा मिल रहा है मेरे चैनल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाहौरी चने बनाना सिखाऊंगी, जो कि लाहौर में बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और नाश्ते में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले चने होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको वही लाहौरी चने बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो तक चने ले लिए, ठीक है, और उनको मैंने पूरी रात भिगो दिया और 10 मिनट के लिए इनको प्रेशर दे दिया। आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह पूरी तरह से गल चुके हैं, ठीक है। अब हम इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया और उसमें मैंने 2 अदद प्याज काट के डाल दी। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आज की डिश बहुत ही लाजवाब होने वाली है, तो इसमें स्किप ना कीजिएगा कोई भी, ठीक है। प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैं प्याज को निकाल लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तमाम प्याज को मैंने निकाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे ना चलें। ऐसे ताकि मिर्चे हमारी जो है ना चलें, सही है। ऐसे चम्मच को चलाते रहना है और हल्का हल्का पानी डालते जाना। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और इसको भी पका देंगे और खुशबू आने तक इसको थोड़ा सा पकाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर, ठीक है, हल्दी 1/2 चम्मच इसमें जाएगी हल्दी, और 1 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा, और हंसते जायका इसमें जाएगा नमक। इन सारी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच दही, इसमें मैं डाल दूंगी 4 से 5 चम्मच दही, या आप आधा कप भी ले सकते हैं। और इस टाइम इस मसाले को भूनना है उस टाइम तक जब तक ऑयल हमारा ऊपर ना आ जाए, ठीक है, और पूरी तरह से ये पक ना जाए। मिनट इसको पकने देते हैं, फिर आगे स्टेप करते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन ऊपर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चने, ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे चने, ठीक है। आधे मैंने चने निकाल के रख दिए, उसका पेस्ट बना के फिर इसमें डालेंगे, और कुछ चने हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। मैं ये तमाम चने डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। चनों को मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल ऊपर आएगा, फिर हम डाल देंगे जो हम लोगों ने थोड़े से चने बचाए थे उनका पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। तब तक वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने चनों का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, इसको भी इसी के साथ ही भून लेंगे।
बहुत अच्छी तरह से आपने चम्मच को चलाना है और इनको भून लेना है चनों को, ठीक है। अब 2 मिनट इसी को इसके साथ पकने देंगे, ढक देंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसको, माशाल्लाह चने हमारे जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी करीब, मैंने मीठा सोडा दे दिया वो डाल देंगे 1 चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ठीक है। और जो हम लोगों ने प्याज निकाले थे उसको मैंने हाथ से जो है क्रश कर लिया, और ये डाल देंगे जो हम लोगों ने प्याज ली थी। चार अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, तकरीबन 4 अदद, तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाना है, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब मलाई डालेंगे, आप मलाई की जगह जो है खोया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग घर में बनाते हैं वो खोया। और इसमें जो है आप पानी ऐड करते हैं, बस पे ज़रूरत इसमें पानी ऐड करेंगे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। मैंने इतना पानी ऐड किया और 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज चने बनते हैं, लाहौरी चने, और तमाम लोग तारीफ़ करेंगे खाकर। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। 10 मिनट मैं इसको ढक के पकाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 10 मिनट वेट करते हैं, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमारे चने को पकते हुए। मैंने कहा था कि 10 मिनट पकाएंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं एक और आपको बताती हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है, ठीक है। वो ट्रिक आपने ज़रूर यूज़ करनी है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब मैंने जो है तकरीबन मैंने जो है चिकन ले लिया और उसको बॉयल कर दिया और उसके ऐसे रेशे बना दिए, ठीक है। आप ये चिकन के रेशे जो है इसमें ऐड कर सकते हैं अपने चने को, लाहौरी चनों को मज़ीद जायका देने के लिए। अगर आप चिकन ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं, मैं इस वजह से ऐड कर रही हूँ ताकि जो है और ज़्यादा जायका आए, वरना मैं ऐसे ऐड कर देती। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को ये ट्रिक भी बता दूँ कि आप लोग चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बन। 5 मिनट इसको मज़ीद ढक के पकाते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। 5 मिनट वेट करते हैं, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चने को पकते हुए। अब हम देखेंगे, माशाल्लाह से हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है काली मिर्चों का डालेंगे इसमें, और इसको मज़ीद जो है 2 मिनट दम पे रखेंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे। मज़ीद इसको जो है 2 मिनट दम पे रखेंगे क्योंकि इसमें काली मिर्चें मैंने डाली हैं। 2 मिनट मैंने जो है इसको दम पे रख दिया था, आप देखते हैं हम, माशाल्लाह हमारे लाहौरी चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।